तू क्या लाड साहब है जो बाद में आएगा? हाँ बोला ना, अभी चल। अरे छोड़, चल। जीवन में हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर नियंत्रित कर सकते हैं तो वो है केवल आपकी प्रतिक्रिया। कोई आपसे क्या कहता है, क्या करता है, ये उसकी इच्छा है, पर उसके बदले आप क्या करते हैं ये आपका फैसला। ए! चलता है कि नहीं? जी चलिए, और तुम भी चलो, और तुम अपने बच्चे को भी साथ में ले लेना। रे फकीर, तू तो इस गांव का सबसे बड़ा फुकट चंद है, फुकट चंद। चल जरा काम कर, चल। जी जरूर, चलो, चलो। बाकी की कीलें सफाई अभियान के बाद आकर निकाल लेना। जी साईं। वैसे मैं खुश हूं कि तुमने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। साईं, ये जो कीलें निकालने के काम से छुट्टी जो मिली है ना, उससे उंगलियों को आराम मिल जाएगा। वैसे कीलें निकालना कीलें ठोकने से बहुत मुश्किल काम है। चलो चलो चलो, अरे चलो जल्दी जल्दी चलो। ए घर में क्या बैठा है? हा? हा? चल निकल बाहर। कल बताया था ना सबको शिरडी में साफ सफाई करनी है। चलो चलो, स्वच्छ शिरडी सुंदर शिरडी अभियान शुरू हो चुका है। शिरडी के हर एक निवासी को इसमें अपना अपना योगदान देना है। चलो चल। चल जल्दी कर, हाथ चला। ए, जल्दी जल्दी हाथ चला। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कहा था ना सफाई करनी है, कोई मजदूरी नहीं करेगा। चलो सफाई करो, और तू भी नीचे उतर। चलो चलो, दरवाजा खोलो। खोलो वरना तोड़ के बाहर निकालेंगे। बूढ़े बच्चे औरत मर्द सब निकलो घर से। हाँ अंता जी, हम आ रहे थे। चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो 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 चल चल, चलो जल्दी जल्दी चल। और तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? तुम भी चलो। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैं सफाई करने ही आ रही थी। अकेले ही? आत्माराम कहाँ है? वो बम्बई गए हैं काम से, सरकार के हुकुम से पहले ही चले गए थे। सफाई बातों से नहीं, हाथों से करनी है। चुपचाप चलो, और साथ में इसको भी लेकर चलो। किसी को भी छूट नहीं है। चलो तारा। इन्होंने परी को नहीं देखा, अगर उसके बारे में इन्हें ना बताऊं तो अच्छा रहेगा परी के लिए। धूप में सफाई करेगी तो रंग कैसे साफ होगा उसका? चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी पैर चला। खंडू, ओ खंडू। हाँ। अरे चलो जल्दी। हाँ चलो, आज गांव की साफ सफाई करनी है, पता है ना? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलते। शाबाश, देखा अंता जी, ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि शिरडी की सफाई हो। खुद निकल के आ रहे। चलो चलो, चावड़ी की ओर बढ़ते रहो, और जल्दी जल्दी चलो। हाँ चलो चलो, जल्दी जाओ। चलो
अंता जी। चलो, अरे उठा चिपड़ी जल्दी। पैर नहीं चलते तुम लोगों के, तो कम से कम हाथ तो चला सकते हो। चलो जल्दी करो। ये क्या बदतमीजी है, कोई बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करता है? शुक्र मनाओ कि आज केशव यहां नहीं है, वरना उसे देख के बहुत दुख होता कि उसके पिताजी ऐसे बुजुर्ग से काम करा रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं उन पे। अच्छा चल अपना काम कर। चल काम कर। तात्या सही कह रहा है साईं, इन्होंने तो आई को भी नहीं बख्शा, विवश कर दिया उन्हें यहाँ आने के लिए। इस उम्र में इतनी मेहनत करवा रहे हैं उनसे। भाई सामा, इस बार तरीका भले ही गलत हो कुलकर्णी सरकार का, मगर अच्छी मुहिम चलाई है उन्होंने। शिरडी साफ सुथरी होगी तो बीमारियां कम होंगी। साथ ही मिलजुल कर काम करने से हर व्यक्ति में समुदाय की भावना बढ़ेगी। और हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये काम हमसे जोर जबरदस्ती से कराया जा रहा है? हमें तो खुश होना चाहिए कि हम सबको एक साथ मिलकर एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। अपनी स्वेच्छा से अपने गांव की साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए हमें। आइए मालसपति जी। पंता जी, वो फकीर सरकार की योजना और हमारी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। अगर सरकार को पता चला तो हमारी खैर नहीं, इसे रोकना पड़ेगा। हाँ अंता जी, उसे सीधा करो, मैं हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। ए फकीर, अपना भाषण बंद कर, तेरे पैंतरे हम जानते हैं। तू सोच रहा होगा कि तू यहाँ पे सबको उपदेश देगा और हम तुझे यहाँ से भगा देंगे। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। गलत सोच रहा है, अब हम सुनिश्चित करेंगे कि काम तू करेगा। और तुझे शौक है ना साफ सफाई करने का, तो कर। और हाँ, आज सबसे ज्यादा साफ सफाई तू करेगा। मेरा सौभाग्य। अरे तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो, काम करो, जल्दी करो, चलो साफ सफाई करो। चलो चलो जल्दी उठाओ, इसमें डालो, इसमें इसमें डालो।
देख के चल, गिरा दी ना टोकरी। अब जमा कर सब, चलो। अरे रे, सब खराब कर दिया अंता जी। कोई बात नहीं, तुम वापस लेपो। हाँ हाँ लेपो। ये आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हैं। साई ने ऐसे अभी अभी लेपा था। कोई बात नहीं दादी। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए साई मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बहुत धूल है तारा, मुंह ढक लो। ए, तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रही हो? मैं यहां बैठने के लिए नहीं बुलाया, चलो काम करो। और तुम भी अपना काम करो। अरे गोविंदा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है सब? आप दोनों ने कहा है कि शिरडी में हर किसी को सफाई करनी है और आप दोनों खुद को शिरडी वासी नहीं मानते, इसलिए आप सफाई नहीं कर रहे। लेकिन मैं शिरडी वासी हूँ जैसे ये सब है।
रहा हो। क्या तुम इन लोगों के साथ खेलना चाहती हो? लेकिन क्या वो लोग मेरे साथ खेलेंगे? अगर पूछोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बल्कि तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती? मैं कैसे? आओ तो सही। गोविंदा, उद्धव, निराली, यहाँ आओ। हाँ साई। ये तारा है और ये तुम लोगों से कुछ कहना चाहती है। नहीं नहीं, माफ करना। डरो मत तारा, बेझिझक कहो क्या कहना चाहती हो। बोलो तारा। मुझे लगता है तुम्हें धूल मिट्टी की आदत नहीं है। तुम एक काम करो, धूल मिट्टी से दूर जाके बैठो। मैं अंता बंदा जी से बात कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं यहीं पर सबके साथ रहना चाहती हूँ। तुम लोग जो कर रहे हो वो करो। मैं तो कहो जो भी कहना है, सोच कर रही हो? हाँ बोलो तारा। मैंने ऐसे सबके साथ कभी खेला नहीं है, अकेले ही रहती हूँ ना, इसलिए सोच रही थी कि अगर सबके साथ जुड़ सकती तो। अरे सीधे आ जाती, हमें भी सबसे दोस्ती करना बहुत पसंद है। शाबाश तारा, अपने डर अपनी झिझक को कभी खुद पर हावी मत होने देना। अब जाओ, सबका हाथ बटाओ। चलो, साफ सफाई तो हो गई, अब अपने घर जा सकते हो। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अंग्रेज अधिकारी के निरीक्षण करने से पहले अगर हमने किसी को भी गंदगी फैलाते हुए देखा तो उसको कुलकर्णी सरकार का दंड भुगतना होगा। चलो हटो, हटो सामने से। साई, आपने जो काम दिया था उसे करने जा रहा हूं। मैं मवेशियों को चारा खिलाने जा रहा हूं। काम पूरा हो जाए तो आकर मुझसे मिल लेना। जी साई। कब से बाहर गए हैं ये लोग? जाने से पहले कुछ बताया भी नहीं। शाम होने को आई और मुझे बाहर भी जाना है। आई कहाँ चली गई? ठीक है ना? आई, आप लोग कहाँ थे? शिरडी में सफाई अभियान चलाया था आज कुलकर्णी सरकार ने, हम लोग वहीं गए थे। मतलब एक मैं ही रह गई थी? अच्छा हुआ तू घर पर ही थी। देख जरा तारक को, क्या हाल हो गया इसका? ठीक कर बेहाल है ये। एक तो धूल मिट्टी, ऊपर से धूप, अगर तू जाती तो और भी काली हो जाती। अच्छा आई, उस समय ना सही, अभी मैं जा सकती हूँ क्योंकि अब तो सूरज भी ढल गया है। और घर के काम कौन करेगा? आइए दिखाती हूँ।
मैंने सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, कपड़े को सुखाना और सूखे हुए कपड़े को तय करके भी रख दिया मैंने। और हाँ, रात की खाने की तैयारी भी मैंने कर दी। अरे वाह, तू तो बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हो गई, मेरी सयानी बिटिया हो गई है। चल ठीक है, थोड़ी देर खेल ले जा, लेकिन हाँ शैतानी बिल्कुल मत करना। बिल्कुल नहीं आई। साई, साई देखिए मैं आ गई। आज आई ने मुझे घर से बाहर निकलने दिया क्योंकि मैंने घर के सारे काम कर दिए थे, लेकिन मैं घर से थोड़ा जल्दी बाहर निकल पाती तो गांव की सफाई में मैं भी कुछ करती ना। वो तो तू अभी भी कर सकती है परी। वो कैसे साई? सोचो सोचो, शायद कुछ ऐसा हो जिसे करके तुम इस जगह को और भी सुंदर बना सकती हो। साई, साई, जो काम दिया था वो पूरा हो गया? साई, बहुत सारी किले मैंने निकाल ली, लेकिन कुछ किले ऐसी हैं जो निकल ही नहीं रही। बहुत कोशिश की मैंने। इस तख्ते में किलों के अलावा कुछ और दिख रहा है? छेद जो किले निकालने की वजह से हुए। और आखिर साई फिर से ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब हो सकता है इसका? अरे नहीं पगली, ये व्रत सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही रखा जाता है और पूजा पाठ करने के बाद व्रत को तोड़ा जाता है। साई, बहुत सारी किले मैंने निकाल ली है, लेकिन कुछ किले ऐसी हैं जो निकल ही नहीं रही। बहुत कोशिश की मैंने। इस तख्ते में किलों के अलावा कुछ और दिख रहा है? छेद जो किले निकालने की वजह से हुए। और और हथौड़ी के चोट के निशान। इंसान का गुस्सा और गुस्से में मुंह से निकले शब्द, वो भी दूसरे की यादों पर ऐसे ही जख्म छोड़ जाते हैं। गुस्सा करना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद बने जख्मों को भरना, उन निशानों को मिटाना बहुत मुश्किल। इंसान की बोली में कितनी शक्ति होती है कभी सोचा है? जानते हो तुम, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो इस शक्ति का प्रयोग कैसे करता है। वो चाहे तो इसी बोली से किसी को जीत ले या इसी बोली से सब कुछ हार जाए। वो चाहे तो अपने शब्दों से किसी को जख्म दे दे या किसी के जख्म भर दे।
वो चाहे तो लोगों में, समाज में प्यार बांटे या फिर नफरत। किसी के मन में आशा की उम्मीद की किरण जगा दे या किसी को नाउम्मीद कर दे, क्योंकि इसी बोली, इन्हीं शब्दों से संबंध बनते भी हैं और बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो एक क्षण रुकना और सोचना कि तुम क्या कहने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। लेकिन साई, इस गुस्से का क्या करूं? जब भी वो आता है किसी ना किसी पे निकलता है। मुझे लगता है कि किसी को मारूं, किसी पे चिल्लाऊं। गुस्सा आने में कोई बुराई नहीं है, फर्क इस बात से पड़ता है कि गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में है या तुम गुस्से के नियंत्रण में हो। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो किसी तख्ते में कुछ कीले ठोक देना और बाद में उन्हें निकालना भी, क्योंकि किसी को अपनी बातों से जख्म देने से, तकलीफ पहुंचाने से अच्छा है कि अपने मन को किसी काम में लगा लिया जाए। कुछ दिनों बाद तुम महसूस करोगे कि गुस्सा तुम्हारे नियंत्रण में है, प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। ठीक है साई, आपकी इस सलाह का मैं हमेशा पालन करूंगा। आपके आशीर्वाद से सब अच्छा होगा। मेरी बदतमीजियों को सह के भी तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे बदलने का प्रयास करती रही। मुझे सुधरने का एक और मौका दे दो। आपके पति को अपने किए पर पछतावा है और इन्होंने खुद को बदलने का संकल्प भी लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इन्हें माफ कर देना चाहिए। आने जाने हैं और साए, बाबराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी आप समझाए। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। मैं घर से थोड़ा जल्दी बाहर निकल पाती तो गांव की सफाई में मैं भी कुछ करती ना। वो तो तू अभी भी कर सकती है परी। वो कैसे साई? सोचो सोचो, शायद कुछ ऐसा हो जिसे करके तुम इस जगह को और भी सुंदर बना सकती हो। क्या करूं, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है।
मैं समझ गई मुझे क्या करना है। शिरडी स्वच्छ तो हो गया है मगर उसे सुंदर मैं बनाऊंगी। भाई को तो मेरे धूप में जाने से परहेज है लेकिन अभी तो सूरज उगा भी नहीं है और सुबह तो कड़ी धूप भी नहीं होती। मैं अभी जाकर चित्र बनाती हूँ और आई को पता चलने से पहले वापस आ जाती हूँ। तो बहुत बड़ी जगह है। इस बड़ी दीवार पर मैं सुंदर चित्र बना सकती हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पंखों में कितने सारे रंग हैं। और जानती हो तुम जैसी सुंदर चिड़िया मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं सच कह रही हूँ। जितने रंग तुम्हारे पंखों में, अगर सारे के सारे रंग मेरे पास होते तो मैं इस दीवार पर एक सुंदर और रंग बिरंगा चित्र बना सकती थी। लेकिन मुझे इतने सारे रंग कहाँ से मिलेंगे?
जानता हूं कि तुम्हारे दोस्त को मदद की जरूरत है, लेकिन तुम उसकी मदद अकेली नहीं कर सकती। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अब तुम सबको पता है कि क्या करना है। लेकिन इसमें तो केवल सफेद रंग ही है और सिर्फ एक ही रंग से चित्र कैसे बनाऊं? अरे ये फूल कहां से गिरा? इसमें रंग भर दिए जाए तो ये और भी सुंदर हो सकता है। अब मैं रंग कहां से लाऊं साईं? रंग भी तुझे प्रकृति से ही मिलेंगे। हमारा यकीन करिए, हमने शिरडी का चप्पा चप्पा साफ करा दिया। हरिओम हरिओम। सराहनीय भूमिका रही है तुम दोनों की। अभी इतनी सुबह मैं आवश्यक कार्य से शिरडी के बाहर जा रहा हूं, शीघ्र लौटने का प्रयास करूंगा ताकि अंग्रेज अधिकारी से मिलने में मुझे विलंब ना हो। लेकिन तुम दोनों मेरी अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित करोगे कि शिरडी में कोई गंदगी ना फैलाए। किंतु प्रस्थान करने से पहले मैं शिरडी का निरीक्षण करना चाहता हूं। बड़ा अधिकारी आ रहा है कल शिवरात्रि के दिन और
आंख बंद करके मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर सकता। हरिओम। निरीक्षण। ऐसा बनाती हूँ जिसे लोग देखते तो देखते ही रह जाए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। साई, मामी जी कहती है कि कैलाश पर्वत पर बहुत ठंड होती है। हाँ, कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है और वेद पुराणों में मान्यता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं। हाँ, महाशिवरात्रि, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कैलाश पर्वत। शादी में सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया जी। हाँ, विश्वास राव। दरवाजा तो खुला हुआ है, क्या शुभांगी को पहले से पता था कि हम आने वाले हैं? पता नहीं जिया जी, चलिए देखते हैं। चलो। अरे आप लोग, आप लोग बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, लड़की के विदा होते ही हम सीधे शिरडी के लिए निकल पड़े। एक बात बताओ, रात को सोने से पहले तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? किया था, लेकिन दरवाजा तो खुला हुआ था। परी कहाँ है? We'll be right back.
शाबाश, इसी तरह तेजी से बढ़ते रहो। अगर इसी गति से बढ़ते रहे तो जल्द ही तुम पर ढेर सारे बल आएंगे। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरे जिंदगी में मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। क्या बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। मैं जानता हूं आप साई हो, सबकी मदद करते हो, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। पर कोशिश तो कर सकता हूं ना। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? साई, मेरा नाम प्रताप है, मैं पास वाले गांव में रहता हूं। कुछ महीने पहले मेरी आई बीमार पड़ी और उस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं नौकरी करने लगा ताकि कुछ पैसे कमाकर मैं बाबा की मदद कर सकूं। आई के इलाज के लिए मैं पर्याप्त पैसे जमा कर सकूं। मैं जिस साहूकार के पास काम के लिए गया था उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे काम की आवश्यकता थी, साहूकार ने मुझे दिहाड़ी नौकरी तो दे दी लेकिन मेरा मेहनताना बहुत कम तय किया। उसने कहा वो कुछ समय बाद मेरा मेहनताना बढ़ा देगा। मुझे काम की बहुत जरूरत थी इसलिए मैंने वहां काम किया। बहुत समय बीत चुका है लेकिन वो साहूकार मेरी दिहाड़ी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा। तो दूसरा काम तलाश कर लो। तलाश की और काम मिला भी लेकिन मेरे नए मालिक को पता चल गया कि मेरा पुराना मालिक मुझे कितना मेहनताना देता था और मेरे नए मालिक ने भी मुझे उतना ही मेहनताना देने की पेशकश की। सब मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे। मैं हार मान चुका हूं अपनी किस्मत से और अपनी जिंदगी से भी। जीवन में हार मान जाना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, इसलिए कभी भी हार मत मानना क्योंकि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। अगर तुम कोशिश करते रहे तो एक न एक दिन तुम्हें वो काम जरूर मिलेगा जिसके कि तुम लायक हो। वक्त लगता है लेकिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। ये सच नहीं है साई, हम गरीब हैं और गरीबों का कभी भी अच्छा वक्त नहीं आता। वक्त सबका बदलता है, तुम्हारा भी जरूर बदलेगा, बस कड़ी मेहनत करते रहो। अमीर हमेशा से ही गरीबों का शोषण करते आए हैं। आओ मेरे साथ। आप मुझे यहां क्यों ले आए? तुम्हें ये दिखाने। यहां क्या है? ध्यान से देखो। ये तो चींटियां हैं। हाँ,
तुमने इन्हें पहले भी देखा होगा, लेकिन आज इन्हें ध्यान से देखो। ये तो सबके सब ऊपर की ओर जा रही हैं। इसमें ध्यान से देखने वाली क्या बात है? देखा आपने साई, उस चींटी के साथ क्या हुआ? हमेशा से यही होता आया है, आज मेरी हालत उस चींटी जैसी है जो हमेशा शक्तिशाली लोगों का शिकार बनती है। शिरडी की स्वच्छता देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया अंता बंता। इतनी साफ सुथरी शिरडी मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत अच्छे, अब चलो जल्दी। जाओ नीचे रखो। सामने से ए लड़के, हे भगवान, आज तो मेरी खैर नहीं। ये तूने क्या कर दिया? कल ही मैंने दीवार रंगवाई थी और तूने? वो कुलदाश ये तो नास्तिक है, ये सब देख के उनको प्रसन्नता नहीं होगी। किसकी लड़की आई है? अरे
अरे तुम सही कह रहे हो, शायद तुम उस चींटी की ही तरह हो, पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भले ही आज पंछी चींटी को उठा ले गया हो, उसने चींटी को खा लिया हो, पर यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन जब पंछी के प्राण निकल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा साई? तब उस पक्षी के मृत शरीर को ये चींटियां ही खाएंगी, तब ये चक्र पूरा होगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि जैसे तुम आज हो वैसे हमेशा नहीं रहोगे। टहनी को तोड़ना कितना आसान था, क्योंकि ये अभी कमजोर है। समय बीतने के साथ साथ ये बढ़ती जाएगी। और एक दिन ये बड़ा पौधा बन जाएगी। तब इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। साई, मैंने अभी देखा। प्रताप, हम सभी में बड़ा बनने की, शक्तिशाली बनने की क्षमता होती है। किसी शाखा की छोटी सी टहनी भी अगर आग पकड़ ले तो पूरे जंगल को जलाकर राख बनाने का सामर्थ्य रखती है वो। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब रोना बंद करो और अपने काम पर जाओ। ये लो, इसे पानी में घोलकर अपनी आई को पिला देना। शुक्रिया साई। राम जी भला करे। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे हमेशा याद रखना। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब वो सफलता हासिल करता है, सफलता का स्वाद चखता है, तो वो चींटी से बाज बन जाता है। पर आप ऐसी गलती मत करना। सफलता प्राप्त करने के बाद भी खुद को विनम्र बनाए रखना। याद रखना
कि आपके आसपास भी चींटियां मौजूद हैं। उनकी शक्ति को, उनकी सामर्थ्य को कभी कम करके मत आंकना, क्योंकि एक ना एक दिन चींटी का वक्त भी जरूर आता है। मेरी लड़की है सरकार, इसे चित्रकारी का बहुत शौक है। बच्ची है, उससे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, दोबारा नहीं करेगी। क्षमा कर दो अवश्य, लेकिन कल ही मैंने ये दीवार रंगवाई थी और तुम्हारी बेटी ने इस पर चित्र बना के इसे गंदा कर दिया है। तुम्हें इसकी नुकसान भरपाई करनी होगी। मेरा जितना धन व्यय हुआ है उतना ही तुम्हें देना होगा। ठीक है सरकार, बताइए कितने पैसे देने होंगे। निकल इधर से। धक्का क्यों देते हो, बताओ ना कितने पैसे देने होंगे। काफी नगद नारायण लेके घूम रहा है। हरिओम। अरे ये तो बच्ची है, लेकिन तुम पर दया करके मैं इतने से ही पैसे ले रहा हूं। इतने से पैसे? सरकार आपने तो मेरी सारी कमाई ही ले ली। अभी अभी बंबई से कमा कर लौटा हूं सरकार। सरकार आप दया नहीं, जुल्म कर रहे हैं मुझ पर और मेरे परिवार पर। जो बैठा, तुम्हारी बेटी को यह सोचना चाहिए था जब इसने ये चित्र बनाया। हरिओम। सरकार, सरकार मुंबई में तुम्हारे पति ने जो कमाई की थी तुम्हारी बेटी की वजह से आज वो सब निकल गई। कितना समझाया तुम्हें कि लड़की जात है, संभाल कर रखो अपनी बेटी को, लेकिन नहीं, देख लिया ना नतीजा। उपटन देकर गया था तुझे, लेकिन नहीं लगाया ना इसने। रत्ती भर भी इसमें फर्क नहीं पड़ा है, जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है, बल्कि और काली हो गई है। माँ के छींटे पड़े हैं इस पे। और तुम भूल गई तुम्हारी शादी को लेकर हम सबको कितनी परेशानी हुई थी। तुम क्या चाहती हो कि तेरी बेटी भी अपने पिता पे बोझ बन जाए। मेरी बेटी मेरे लिए कभी बोझ नहीं होगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। शुभांगी, ये क्या कर रही हो? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और आज आप भी बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। पानी अब सर से ऊपर चढ़ गया है,